बिहार में एनडीए का गठबंधन टूट गया है और अब नीतीश कुमार ने राजद गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। जदयू और राजद, कांग्रेस और वाम के बीच महागठबंधन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। बिहार में एनडीए से अलग होकर राजद के साथ गठबंधन करने को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश कुमार की आलोचना की है और तंज कसते हुए कहा है कि उनके सामने आगे कुआं और पीछे खाई है। दरअसल वाराणसी में दो दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज यानी बुधवार सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बिहार में हुए तख्ता पलट को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह मन में कोई चीज रख कर जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह कोई रास्ता नहीं है, उनके सामने आगे कुआं पीछे खाई है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के शपथ लेने से हमें कोई समस्या नहीं है। बता दें कि नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रदेश के विपक्षी महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर आठवीं बार राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ आज दोपहर 2 बजे लेंगे। शपथ ग्रहण राजभवन के भीतर अपराह्न 2 बजे एक सादे समारोह में होगा।